हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनिक फूड ग्रो एंड कुक। तो गाइस, लास्ट टाइम जो हमने अपना फील्ड बनाया था, छोटा सा जो खेत बनाया था जिसमें मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट डाली थी, और हमने उसको प्रिपेयर किया था सीड्स लगाने के लिए, और आपके सामने हमने सीड्स भी लगाए थे। तो गाइस देखिए, वो सारे सीड्स तैयार होके प्लांट्स बन चुके हैं। ये देखिए गाइस, ये है भिंडी। से हाय हेलो टू भिंडी। और गाइस, ये बैंगन के प्लांट्स जो हम लेके आए थे वो लगाए हैं, ये लग चुके हैं। और ये भिंडी है, ये चिली है। बट गाइस, ऐसे है कि जब आप प्लांट्स लगाते हो अपने गार्डन में तो उसके साथ कुछ घास निकल आता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से फ्रूटिंग नहीं करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनका जो ये एक्स्ट्रा घास है वो निकालना पड़ता है, तो हम आज वही कर रहे हैं। हमने काफ़ी घास निकाल लिया है, मॉर्निंग से लगे हैं, क्योंकि मौसम जो है देखिए ऑसम है, बारिश इतनी होने वाली है। और उससे पहले पहले हम अपने जो प्लांट्स है वहाँ का घास निकाल लेंगे। और ये देखिए, काफ़ी घास हमने निकाला है, ऐसे निकालेंगे इसको, थोड़ी गुडाई करेंगे और थोड़ी खाद वगैरह देंगे, तो तभी तो ये हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स देंगे। तो बीच में ये कितना सारा घास है इसको हम निकाल रहे हैं। तो अभी तो प्लांट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, बट ये अभी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। ये देखो चिली, और ये कितना अच्छा है। और लास्ट टाइम जो हमने हल्दी तो निकाल ली थी गाइस, बट उसके भी पौधे लगे हैं। और लास्ट ईयर के जो चिली के प्लांट्स हैं उस पर दोबारा से चिली आ चुकी है। ये देखिए, ये देखिए चिलीस। ये जो हमारे पुराने प्लांट्स हैं चिली वाले, उस पर चिली आ चुकी है। और हमने जो रस भरी के प्लांट्स लगाए थे वो भी काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। ये हमारा बनाना का लीफ देखिए कितना बड़ा हो गया है, और प्लांट भी ग्रो कर रहा है। तो ऐसे ही हमने अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए हैं जो मैं आपको हर बार दिखा चुकी हूँ। ये देखो, ये मेरा पलम का जो ट्री है वो भी तैयार हो चुका है, इस पर भी फ्रूटिंग होगी जब ये बड़ा होगा। और मैंगो ट्री भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। तो बस अभी ये छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखा दी है। अभी तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो प्लांट्स हैं लेडी फिंगर के, पम्पकिन के और बॉटल गॉर्ड के, और उसको अच्छी तरह से ग्रोइंग एरिया मिल सके और ग्रो कर सके। और ये देखिए, हमने यहाँ पे भी लगाए हैं, और हमारे मैरी गोल्ड के फ्लावर भी प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। तो गाइस, आप भी गार्डनिंग किया करो, आप भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह कुछ ना कुछ लगाया करो। अगर आपके पास लैंड नहीं भी है तो आप किसी करेट में या किसी पॉट में, या आप 3 टायर्स लेके, जो वेस्ट टायर्स होते हैं उसके नीचे एक पॉली बैग रख के उसमें मिट्टी डाल के और उसमें सीड लगा के अपने टेरेस पे चढ़ा दो। जब उसमें फ्रूटिंग आएगी गाइस, बड़ा ही अच्छा लगता है। कुकम्बर लगाइए और बड़ा कुछ लगाइए। तो गाइस, मिलते हैं आपको थोड़े दिनों के बाद, जब इस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तैयार होगी तो आपको दिखाएंगे। और जब ये बनेगी काट के भी दिखाएंगे, और बना के भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही यही है, क्या? ऑर्गेनिक फूड ग्रो एंड कुक। ठीक है गाइस, ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।